हेलो दोस्तों, आपका होस्ट मैं मंजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मन्नू जोन चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिससे आप व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बैल का बटन है वो भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। एप्लीकेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करना चाहो तो ये इसका आइकन है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में ये इसका सिंपल इंटरफेस है, यहाँ पे ओके करना है क्रिएटिव वीडियो। इसके बाद में जो आपकी फाइल दिखाई देगी, यहाँ पे फ़ोटो और वीडियो दोनों दिखाई देगी, गैलरी एल्बम यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ से आप फ़ोटो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो इम्पोर्ट कर लेता हूँ एडिट करने के लिए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारी थीम दी हुई है वीडियो के नीचे, अगर थीम लगाना चाहते हैं वीडियो में तो केवल आपको ओके करना है। तो अलग अलग प्रकार के आप थीम देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजा सकता क्योंकि यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आ सकती है। तो अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लगा सकते हैं आगे। बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाने के लिए म्यूजिक भी यहाँ पे ओके करना है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको म्यूजिक मिल जाएंगे। और इसके अलावा गैलरी से भी आप म्यूजिक लगा सकते हैं। तीन लाइन पे ओके करने के बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट म्यूजिक, जैसे म्यूजिक कहाँ से आपको आपकी वीडियो में स्टार्ट होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर दिए हुए हैं, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा बैकग्राउंड जो होता है ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फोकस, जैसे ये फोटो है यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ से दिखाई देना चाहिए वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। अलग अलग फोटो नीचे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग फोकस सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी काम आ सकती है तो वीडियो को शेयर कीजिए। और मैंने इस एप्लीकेशन से एक वीडियो बनाई है तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ।